तो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हम चलते हैं मस्क मेलन जूस बनाने, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। एंड मतलब डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और काफी अच्छा रहता है। गर्मियों के सीजन में इस तरह के ड्रिंक जो है पीना लाभकारी होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो सबसे पहले हमने खरबूजा को धुल लिया था अच्छे से, और धुलने के बाद इसको हमने आधा कट किया है और आधा कट करके बीज निकाल दिए हैं। और फिर इसको हम पहले लंबे लंबे स्लाइस में काट लेते हैं, क्योंकि जूस हमें पूरे का नहीं बनाना है, तो आधे का ही बनाना है, क्योंकि इतना कोई पीने वाला नहीं है। तो मैं 2 गिलास केवल बनाऊंगी, तो आधे का ही बनाऊंगी। और ये आधा जो है हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें आधे का ही जूस बनाना है। तो ये पीसेस जो हमने कट किए हैं इनको हम छील लेते हैं, और इस तरह से पीस करने के बाद छीलने में आसानी रहती है। तो अब हम इनको छील लेंगे सभी को। सभी पीसेस को छील लिया है हमने, और अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, जिससे कि हमें जूस बनाने में आसानी रहेगी। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद हमने लिया है ये मिक्सी का जार, और इसमें ये सभी पीस को हम डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये एक छोटा सा कप हमने पानी डाल दिया इसमें, और ये हमने डाल दी 2 छोटे चम्मच चीनी, क्योंकि खरबूजा हमारा मीठा होता है, अपने आप में ही मीठा होता है। और फिर आप जैसा भी कम मीठा ज्यादा मीठा लेना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीनी को। 2 डाल दिए हमने आइस क्यूब। तो ये देखिए हमारा जूस जो है रेडी है सर्व करने के लिए। तो हमारा जूस जो है रेडी है, और आप चाहें तो आइस क्यूब डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। अगर ठंडा, ज्यादा ठंडा पीना पसंद ना करें तो ना डालें। और हमारा जूस जो है रेडी है सर्व करने के लिए ठंडा ठंडा। ये देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, तो टेस्टी भी होगा, और गर्मियों के सीजन के लिए ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए हमारा ठंडा ठंडा जूस, मस्त मेलन जूस तो हमारा रेडी है। अपना रेस्पॉन्स जरूर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर रेस्पॉन्स जरूर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।